और ये वाला ब्लॉग मैं अब काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। एक तो भाई मैं जितनी बार भी ब्लॉग बनाता हूँ तो हर बार मेरा पहला डायलॉग तो यही रहता है कि मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी इट्स लाइक 11:53 इन द नाइट, 11:53 हो रखा है और दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो रात ही 11:53 हो रखे हैं, 12 बजे जा रहे हैं। आज की डेट है, एक तो मेरे पास आईपैड नहीं है वरना मैं बस दिखाता अभी डेट वेट। आज की डेट है, इट्स 10 अगस्त, पता है लेकिन मैं बता रहा हूँ, आज की डेट है 10 अगस्त और कल है मतलब 12 से ही हो जाएगा मेरा बर्थडे। इट्स 11th ऑफ अगस्त, जिनको नहीं पता है उनको भी इस ब्लॉग से पता चल जाएगा, इट्स 11th ऑफ अगस्त एंड इट विल बी माई बर्थडे। जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद तब तक तो चला गया होगा, क्योंकि मैं ये वाला वीडियो कल अपने बर्थडे के लिए पूरा शूट करने वाला हूँ। मेरे एक बर्थडे का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। अभी ये दूसरा फ़ोन है क्योंकि मैं पहला तो देख ही नहीं पाया था, अभी श्रेयस फ़ोन कर रहा है, मैं देखता हूँ। और लाइक मैं ये उन फ्रेंड्स के लिए बोल रहा हूँ जो मेरी गंदी तस्वीर इंटरनेट पे यूज़ करने वाले हैं। एक और फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, जितनी वो अपनी बर्थडे पे सह सके उतनी गंदी तस्वीर मेरे बर्थडे पे अपलोड करें इंटरनेट पे। हेलो, हाँ जी गाइज, रुको मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। ये देखो भाई को एक कुछ बजा रहा है, लेकिन मुझे बहुत पसीना निकल रहा है क्योंकि इस कमरे का कूलर ख़राब हो चुका है। एसी है नहीं इस कमरे में, कूलर एक्चुअली नहीं ख़राब हुआ है, वहाँ की हम लोगों ने थोड़ा मीटर वगैरह कुछ नया लगवाया था तो उसमें वायरिंग कुछ गड़बड़ हो गई है। तो अभी अगर मैं कूलर चलाता हूँ तो थोड़ी देर में ही पता नहीं यार उसमें डबल लाइन चली गई कुछ तो हो गया, बट ख़राब होने के उसके चांसेस हैं, इसलिए मैं चला ही नहीं रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा फिर वो सही करेगा, तभी कुछ हो सकता है। और अभी लाइक बहुत सारे कॉल्स आए मेरे पास और मेरे फ्रेंड्स के आए, और हाँ अभी पंकज जी का भी कॉल आया था। लाइक वो तो एक अलग ही खुशी हो गई जब पंकज जी का फ़ोन आया, आई वाज शॉक्ड कि उनको मुझे बर्थडे याद भी कैसे, मुझे लग रहा है शायद दुर्गेश ने स्टोरी डाली है दुर्गेश भाई ने, इसलिए उनको पता चला होगा। बट हाँ यार उनका कॉल आया, मुझे अच्छा लगा कि लाइक ऐसे उन्होंने वैल्यू किया, मुझे भी अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये देखो भाई कितना अजीब सा फ़ोटो वोटो लगा करके रखा हुआ है, और इस फोटो में बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा हुआ है क्योंकि मेरे कान में बज रहा है बहुत तेज़ तेज़ तेज़, बट ऐसे फ़ोटो लगा रहे पता नहीं क्या मिल जाएगा यार ये लोगों को। मैं अभी भाई ऐसे फ़ोटोज लगाऊंगा मैं बता रहा हूँ। मैं बदला लेगा फैजल, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। और साथ ही साथ मैं दिखा देता हूँ, मेरे लैपटॉप पे भी इंस्टाग्राम खुला हुआ है, तो दिस इज़ लाइक दीपक ने पोस्ट किया हुआ है इसमें, तो लाइक मेरी बहुत लंबी लेग ऐसे जल्दी दिख रही है। देखो पहले मैं दिखाता हूँ आपको मैं कितना पतला था, ये देखो मैं कितना पतला हूँ, ये देखो मैं, फिर मेरी ग्रोथ आती धीरे से, ये देखो मैं सही हो गया। तो ऐसे लाइक मैं पहले बहुत पतला था, फिर मैंने ऐसे जिम में गया सही हुआ, अभी काफ़ी हद तक ठीक है। लोग जो लोग पहले से आते उनको लगता समझ में आता है कि मैंने सही में इम्प्रूव किया है, और जो लोग अभी देखते हो कहते हैं यार तुम तो पतले हो, भाई मैंने बहुत इम्प्रूव किया पहले से भाई बहुत ज़्यादा। तो सो अभी लाइक सुबह के तो 6 नहीं बज रहे हैं, अभी लाइक सुबह के 6 नहीं बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं शाम के 6:22। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था लगभग कुछ 5 बजे के आसपास, और 6:30 तो हो ही चुका है, देखते हैं लोग कब आते हैं। और मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं किया क्योंकि लाइक इस जो जिस कमरे में मैं अपना काम करता हूँ, जिस कमरे में मैं रहता हूँ, इस कमरे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिक्कत कर रही थी, तो सुबह इलेक्ट्रिशियन आया था वो काम कर रहा था। तो ऑलरेडी मेरा इसके पहले ही जब पिछली बार वो आया था तो मेरा सोनी का चार्जर ख़राब हो चुका था, सोनी का कैमरा बैटरी चार्जर वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने उसकी वजह से ही आज उसको बुलाया कि लाइक देख लो भाई क्या फॉल्ट हो रहा है क्या दिक्कत है। तो आज वो आया और उसने लाइक कुछ फ़र्क तो नहीं हुआ, अभी कुछ चीज़ें और ख़राब हो चुकी हैं। आज मेरा लैपटॉप का चार्जर फूक गया है, और जो एक और लाइन आ रही थी इस कमरे में लाइक जो चीज़ें डायरेक्ट चलती हैं लाइट से वो अब नहीं चल रही इस कमरे में, अब सिर्फ इसमें इन्वर्टर वाली चीज़ें ही चल रही हैं और कुछ नहीं चल रहा है। तो भाई आज और नुकसान हो चुका है, लगभग अभी तक 6-7 हज़ार रुपये की सिर्फ चार्जर ख़राब हो चुके हैं। आई डोंट नो कि आगे क्या होना है। और अभी उसने बोला है कि लाइक इसकी कुछ लाइन वाइन सही करवाओ, पूरी वायरिंग नहीं करवाओ, तो अभी शायद इस कमरे में पूरी वायरिंग ही नहीं करवानी पड़ेगी। बट बाकी देखते हो कि यार काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है मेरा, बहुत दिमाग खराब, मैं बहुत इरीटेटेड अब सुबह से। बट मैंने सोचा कि नहीं हम कैमरा उठाते हैं लाइक ब्लॉग स्टार्ट किया तो करते ही हैं, और अभी सब आने वाले तो थोड़ा मेरा मूड सही हो जाएगा। बस उसको एक लेट लतीफ आदमी ये रहा और एक ये रहा, हाँ बट ये लोग इतने लेट लतीफ हैं कि आज यही लोग पहले आए आ गए, ये मैटर करता है, ये आए ये नहीं मैटर करता, इनके इनके लिए यही अचीवमेंट है कि ये पहले आ गए। हाँ पहले इन लोगों ने प्रैंक किया था मुझे मेरी पुरानी टी शर्ट दे करके जो कि इसके अंदर है, ये देखो
ये टी शर्ट मेरी अभी परसों फट गई थी, लाइक ये वाली भी बिल्कुल नई टी शर्ट थी बट ये परसों फट गई थी क्योंकि किसी चूते से छोटे बच्चे ने पीछे से गाड़ी मतलब साइकिल ठोक दी थी मेरे पीछे और लाइक पूरी पीछे से साइड से फट गई थी टी शर्ट। तो चक्कर में आज ये पुरानी टी शर्ट भी लाया है और नई टी शर्ट भी लाया है। हेलो ब्रदर, हैप्पी बर्थडे हर्षित, तुम जियो हजारों साल। हाँ, और मैं जीना जितना लोग जिए जाता है। और ये ब्लैक हो गया था। नहीं नहीं पूरा आता है मुझे, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मैं लवर लाइट्स ऑन कर लेता हूँ इधर की क्योंकि डार्क हो रहा है। थैंक यू टू एवरीवन। और ये इज आज सेकंड है, ये भी मतलब काफी जल्दी था। कैसी है माता? नहीं वो तो दे भाई, तुमको तो 15 मिनट के भेजा था, तुमने 5 काम करने भेजे 2 घंटे का, तो हम 15 मिनट कर गए भाई। 5 मिनट का काम और ये मेरे बर्थडे के लाइफ में पहले से केक लग चुका। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So guys, मेरा बर्थडे अब उस तरीके से ओवर हो चुका है। सब लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और यहाँ पर एक दुर्गेश ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। It was my birthday. Thank you for the cake. Thank you brother. मेरा केक, इज्जत इज्जत दिखा के हो मेरे केक की। कट कर देना प्लीज इसे। हाय फाइनली, अभी लाइक आधे लोग तो पहले ही जा चुके हैं, तब मैंने कैमरा ऑन भी नहीं किया था। चलो इस बार जाए। रोना नहीं, इसका रोना नहीं, क्या कर रहे हो? पर क्यों कर रहे हो रोना? इसके लिए लड़की देख के इस साल इसकी शादी हो जाएगी, हम लोगों ने ये प्लानिंग कर रखी है इस साल। बट बड़ा भाई तो ये है ना यार, ये देखो ये लोग लड़ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं यार आगे बैठने के लिए, लोग लड़ रहे हैं भाई। कैसे कैसे लोग रहते यार यहाँ पर। ये विदाई का शॉट यार, वेडिंग शॉट। रोना पड़ेगा यार, सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ यार मैं तो। मैं तो सिनेमैटिक शॉट ले रहा हूँ। दोस्तों आज मैं शूट कर रहा हूँ ये वाला पार्ट लगभग पूरे 5-6 दिन बाद, क्योंकि जो आपने लास्ट वाला पार्ट देखा है वो शूट हुआ था मेरे बर्थडे वाले दिन, और उसके बाद से मैंने कोई शूट ही नहीं किया। और ऑल्सो लाइक उस दिन मेरे सारे कमरे की पूरी लाइट खराब हो गई थी। पहले जो इलेक्ट्रिशियन आया था उसने लाइक ऐसी लाइट कर दी कि ये जो ट्यूबलाइट थी वो, और जो पंखा है यहाँ का उसकी पावर कम हो रही थी, फिर ज़्यादा हो रही थी, फिर कम हो रही थी, फिर ज़्यादा हो रही थी। फिर लाइक उस दिन मेरे लैपटॉप का चार्जर फूक गया, मेरे लैपटॉप के नीचे एक वो लगा हुआ था, कूलर लगा हुआ था उसका वो भी फूक गया। तो ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें उस दिन ख़राब हुई थी। तो फिर मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था मेरे बर्थडे वाले दिन ही, क्योंकि लैपटॉप का चार्जर ख़राब होना इज़ लाइक बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं यार लैपटॉप के थ्रू कि अगर लैपटॉप नहीं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता ऑलमोस्ट। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था लिटरली, क्योंकि और फिर उसके 4-5 दिन बाद आया लैपटॉप का चार्जर नया। तो इसलिए भाई पूछो नहीं कि मेरा क्या ही हाल हुआ था। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ बिना लाइक मोनोपॉड के, तो मेरा मुझे हाथ बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं, और मोनोपॉड में क्या है आराम से हाथ पकड़ सकते हो। और फिलहाल अभी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग से जैसे बाद ही स्टार्ट होने वाला है, और चलो देखते हैं। तब तक लाइव इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को, जो भी आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, जो भी है आपके मन में डाउट वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैं बोलता हूँ आपको अपने आने वाले अगले किसी वीडियो पे।